किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज करीब आधा दर्जन गांव के दौरे किए गए, जिनमें जनपद झांसी के मऊरानीपुर तहसील के गया रोनी बड़ा गांव चुरारा मथुपुरा टकटोली मेलवाड़ा भैरवकरक आदि गांव के दौरे कर किसानों की परेशानियों को सुना गया, जिनमें कहीं सड़क की समस्या थी तो कहीं बिजली और पानी की। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने मऊरानीपुर के टकटोली मार्ग की हालत को देखकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने सत्ता में आने के बाद आदेश दिया था कि प्रदेश में कहीं भी गड्ढों से भरी सड़क नहीं दिखाई देगी, जिसे तत्काल गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन प्रदेश के मुखिया के आदेशों का पालन ना होना और जिले के अधिकारियों की उदासीनता से साफ जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सपा सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की थी, उसी तरह भाजपा सरकार ने भी जनता को ठगने के सिवा कुछ नहीं किया। वहीं ग्रामीणों ने सड़क को लेकर अपना दर्द बयां किया और कहा कि सड़क के जर्जर होने के कारण कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं और सरकार के नुमाइंदे गहरी नींद में सो रहे हैं। इस मौके पर कुछ ग्रामीणों ने अपनी बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से भी प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। क्या समस्या है? समस्या भाई साहब रोड की है। क्या दिक्कत है रोड की? दिक्कत ये है कि भाई साहब रोड के वहाँ बहुत परेशान है, हम लोग चल ही नहीं पाते हैं बिल्कुल, नहीं कुछ भी करें आप रोड के लाने, कोई भी बीमार भी आदमी ऐसे तो बीमार आदमी रास्ता में ज्यादा हालत खराब है तो रास्ता में खराब हो तो टाइम पर नहीं पहुंच पाते हम लोग। अरे भाई हमारे यहाँ रोड बहुत खराब है, रोड इतना खराब नहीं इतना खराब है कि बहुत समस्या है। यहाँ से मऊरानीपुर है कुल 25 किलोमीटर, और कोई डिले भी है तो यहीं रास्ते में गड़बड़ हो जाती है आप लोगों। हमारे यहाँ आने जाने में मऊरानीपुर में बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है जाने में, ना टू सीटर मिलते हैं ना कछु है नहीं, मोटरसाइकिल मिले तो जे आदमी नहीं तो जा ही नहीं सकता है, हैं बहुत ज्यादा रास्ता खराब है। डिले भी हो दी तो एम्बुलेंस नहीं आती है, यहाँ फोन करे थे तो तक नहीं, अब रास्ता खराब है। हाँ नाम बिजेंद्र है। किस गाँव के रहने? टकटोली के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? ये समस्या है कि यहाँ पर करना डिलीवरी भी होती है, किसी बच्चा होना है तो यहाँ से मऊरानीपुर नहीं जा पाते हैं, रास्ता मेरा रोड के कारण से दस मैंने गड्ढा गड्ढा है तो इसके कारण से करना बच्चा गली में हो जाता है, और रोड के वहाँ बहुत परेशान है, ना मऊ जा पाते हैं ढंग से, ना कोई बाहर कोई मैंने गली में छेक भी सकता है, कभी भी कर ले कोई, ना गाड़ी को चला सकता है। हमारा नाम है राम शाह श्रीवास, टकटोली के हैं जी। मऊरानीपुर जाने के लिए बड़ी समस्या है, और रात में जो डिलीवरियाँ होती हैं या दिन में भी जाएं तो रास्ते में कई बच्चों तो पैदा कर देती हैं, पहुँचते ही नहीं है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है कि रोड की शासन रोड नहीं बनवा रहा हमारे गांव का, जाएगा खुद देख जाएगा रोड है। कितने साल से ये खराब पड़ा हुआ? कम से कम 10 साल से। कोई ये विधायक वगैरह सांसद ये क्या कर? कोई भी नहीं सुनता। क्या समस्या ये है कि मऊ से टकटोली 25 किलोमीटर दूरी पर है, रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी पैदल साइकिल चले हैं बहुत परेशानी है, ज्यादा वाहन जाते हैं भरे भी हैं तो भी निकल नहीं पाते हैं, पल डिब्बे की समस्या होती है, और यहाँ से आने जाने में कोनो वाहन की मतलब बात नहीं है, आती नहीं है, कब कोई बस चलती हो टैक्सी चलती हो तो स्वयं साइकिल है या मोटरसाइकिल है, वो कब मऊरानीपुर जाने हैं तो 1 घंटे की रास्ता जो 4 घंटे में पहुँचते हैं। आज हम लोग मऊरानीपुर से लेकर टकटोली मार्ग पर खड़े हैं, जिसकी लंबाई 10 से 15 किलोमीटर है। ये रोड शासन प्रशासन की गलत नीतियों के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण आज 10 वर्ष हो गए इस रोड पे, आज तक ये रोड नहीं बना। यहाँ पर लगभग दर्जनों गांवों का आना जाना है, सबसे बड़ी पीड़ा यहाँ की महिलाओं की है कि अगर रात में कहीं डिलीवरी का समय हो गया तो ना तो यहाँ एम्बुलेंस आ पाती है, और जैसे तैसे अपनी व्यवस्था करके हम लोग जाते हैं तो रास्ता में ही बच्चों का जन्म हो जाता है। ये कई गांव इस महान पीड़ा से गुजर रहे हैं कि हमने कई बार चुनाव का बहिष्कार भी किया है, लेकिन आज तक ये हम लोगों का रोड नहीं बना, 10 वर्ष होने को है। यहाँ का किसान मजदूर इतना मायूस हो चला है, इनका सरकार से विश्वास उठ गया है कि जहाँ एक ओर योगी जी मोदी जी कह रहे हैं हम पूरे देश में रोड का जाल बिछाएंगे, वहीं आज ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये मऊरानीपुर तहसील का जनपद झांसी का गांव टकटोली मैलवारा है,
चुरा रहा है। कई ऐसे गांव आ रहे हैं जहां पे आने जाने की कोई रोड नहीं है। हम कह लें कि रोड है कि गड्ढा है कि रोड ही गायब है, ये स्थिति है, जमीनी हकीकत है। और यहां का शासन प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। यहां जनता की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं। अगर आने वाले समय में ये रोड नहीं बनती है तो यहाँ के दर्जनों गांव के किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय निर्धन दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो जो आज परेशान हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है।